बाजवा की बजे या फिर उस पर नक्काशी की जाए। पर इतना तय है कि जिस शुरुआत की उम्मीदें की जा रही थी उसका बिगुल बज ही चुका है। वैसे जहां बाजवा रहे वहां बिना बजे कुछ हो ही नहीं सकता। पहले भारत ने इसको खूब बजाया, या यूं कहे रोज बजा ही देता है। अब पाक के हालात इसकी बजा रहे हैं। स्थिति यह है कि छुट्टी पर चल रहे इस अहमदिया नुमाइंदे को घर में रहकर अपने खिलाफ चल रहे कार्यक्रमों का विश्लेषण करना पड़ रहा है। एक वक्त जिस व्यक्ति के नाम की तूती पाकिस्तान के नक्कार खानों में गूंजती थी, आज वह बेगाना मेहमान बनकर पड़ोसी के घर में धकेल दिया गया है। इस चैनल के नियमित दर्शकों को अवश्य याद होगा कि हमने 4 महीने पहले ही बताया था कि कैसे कमर जावेद बाजवा के जनरल बनने पर पाक फौज में मतभेद था। खासतौर से वर्तमान में मुल्तान के कोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति के लिए वरीयता सूची में सबसे ऊपर थे। यानी बाजवा के रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद उन्हें सैन्य प्रमुख का पद मिलना तय था, मगर इमरान के व्यक्तिगत फैसले की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। उन्होंने अपने एक ही निर्णय से बाजवा का कार्यकाल नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया। पर मामला अब बहुत अधिक बिगड़ चुका है। पाकिस्तान की फौज में बगावत का बिगुल कभी भी बज सकता है। इसकी वजह यह है कि बाजवा के कार्यकाल बढ़ाने पर लगी रोक खुद बाजवा के लिए बहुत असहज करने वाली स्थिति है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाक आर्मी के चीफ के कार्यकाल विस्तार में रोक लगाने के पीछे 7 वरिष्ठ आर्मी अधिकारी का हाथ है, जिनमें सरफराज सत्तार का नाम सबसे ऊपर है। मजे की बात यह है कि याचिकाकर्ता रियाज हनीफ राय को भी सेना के द्वारा पूरा समर्थन मिला है। वैसे पाकिस्तान में चर्चा है कि बिना सेना के मजबूत समर्थन के बाजवा के खिलाफ याचिका दाखिल करना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान हालांकि कह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल लिया है, लेकिन स्थिति यह है कि पाक फौज में उठे बगावती सुरों ने उनकी कुर्सी हिला दी है। बाजवा का दबदबा पाक फौज से खत्म हो चुका है। पंजाबी मुसलमान सैनिकों ने उनके अहमदिया होने का भेद खुलते ही हुकुम मानना बंद कर दिया था। सरफराज सत्तार धीरे धीरे पाक सेना पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पाक सेना में वे अघोषित आर्मी चीफ बनते जा रहे हैं। ऐसी हालत में केवल पाकिस्तानी नहीं, कोई भी देश हो उसका चिंता में पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी मुल्क की फौज में बगावत होने का मतलब है उस देश का तंत्र छिन भिन हो जाना। खासतौर से वहां की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली पूरी तरह खत्म हो जाती है। वैसे भी दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में लोकतंत्र नाम का कोई जंतु तंतु होता ही नहीं है। यमन, सूडान, मालदीव, इराक और सीरिया आज ऐसी ही अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शिकार है या शिकार होते रहे हैं। पाकिस्तान तो इस मामले में इनका भी उस्ताद है। इस मुल्क में उठी फौज की बगावती आवाज अब कभी भी एक बड़ा आकार ले सकती है। संभव है अगर बाजवा का कार्यकाल आगे बढ़ाने की इमरान चेष्टा करते हैं तो सरफराज सत्तार अपने सैनिकों को लेकर बाजवा के साथ इमरान खान की नैया भी पार लगा दें। बाजवा की कहानी तो वैसे भी पाक फौज में खत्म हो चुकी है। वह तो एक रबर स्टैंप जनरल बनकर रह गए हैं। इमरान की सरकार बाजवा के रहमोक्रम पर ही चल रही थी, पर अब खुद उन्हें लाले पड़े हैं। ऐसे में इमरान का बाजवा की तरफ झुकाव उनको भी फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। यानी मुगल कालीन प्रवृत्ति का धोतक पाकिस्तान फिर से मुगलों का अनुसरण करता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां सत्ता के लिए खून के रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते। इसका मतलब यह है कि इमरान खान बार बार बाजवा को बचाने की जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें खुद उनका बचाव छिपा हुआ है, क्योंकि बाजवा रह गए तो इमरान सरकार के बने रहने की उम्मीदें हैं। बाजवा को नहीं बचा पाए तो इमरान का सूली पर लटकना तय है। नवाज शरीफ तो लंदन में गंभीर बीमारी होने के बावजूद अपने पैरों पर घूम रहे हैं, पर उन्होंने 29 नवंबर 2016 को जिस कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तानी सेना का 10वां थल सेना अध्यक्ष बनाया था, इमरान के गले में फंसी ऐसी हड्डी बन गया है जिसे निगलना या निकालना जोखिम भरा है। यानी बाजवा को बचाया तो बगावत होगी, नहीं बचाया तो फिर भी बगावती होगी।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।